हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के अंग्रेजी भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें जो सवाल पूछे गए हैं, जिनके लिए हमें खाली जगह दिए छोड़े गए हैं, हमें उन्हें भरने हैं। विस्तार से इन्हें समझते हुए भरेंगे, ताकि इसके साथ आपको जो कुछ सीखने के लिए दिए गए हैं, जो व्याकरण सीखने के लिए दिए गए हैं, जो वर्ड सीखने के लिए दिए गए हैं, और जो ट्रांसलेशन सीखने के लिए दिए गए हैं, आप उन्हें क्यों भी अच्छे से सीख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वीडियो के नीचे जाकर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा, आप उस सब्सक्राइब को दबाएं। था उसके बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, आप उस घंटी को दबाने के बाद आपको ALL ऑल आएगा, आप उन्हें भी ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने AW1 को देखा था, इसमें जो एक कहानी दी गई थी पीकॉक और क्रैन की, इन कहानी को पढ़े थे और इनसे संबंधित प्रश्न को जवाब दिए थे। और मैंने अंत में आपको यहाँ तक का सवाल बताया था। आज हम इसके आगे के सवाल को देखेंगे, जब हमारा पेज नंबर 14 था। तो आज हम शुरू करेंगे अपना पेज नंबर 15, जिनमें कि आपके पिछले सवाल को ही पूछा गया है। सवाल था कि देयर आर सम एरर्स, मतलब कुछ गलतियाँ हैं दिए गए वाक्यों में, रीड द सेंटेंस एंड करेक्ट देम, उन्हें पढ़िए और उन्हें सही कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या गलतियाँ हैं, उन्हें हम कैसे सही करेंगे। तो दिया गया है वाई इज यू नॉट गोइंग टू मार्केट। तो देखिए, वाई इज यू नॉट गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये देखिए, यह पूरी तरह से सही है, इसीलिए इनमें तो कोई गलतियां नहीं हैं। तो वाई इज यू नॉट गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो, ये सही है। लेकिन इससे अच्छा सही होता कि तुम मार्केट क्यों नहीं जाते हो, तो इसे हम बनाएंगे तो मार्केट क्यों नहीं जाते हो। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। चलिए इसे हम सही करते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। तो लिखेंगे Why do you not go to market? Why do you not go to market? तो यह आपका हो गया इसका सही जवाब। चलिए इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। Why do you not go to market? आपको यही यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि वाई आर ही नॉट ईटिंग, वाई आर ही नॉट ईटिंग। तो यदि आप इसे नहीं लिख सकते हैं, तो आप इन्हें एक दूसरा भी आप इसका सेंटेंस बनेगा तो आप उन्हें भी बना सकते हैं। तो वह आपका हो जाएगा यहाँ पे वाई आर यू Not going to market. Why are you not going to market? आप यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं कि why are you not going to market? तो इसमें हम लिखेंगे कि why are you not going to market? तो चलिए ये पेज हमें फ्रीज करने पड़ेंगे, ये पेज नहीं तो इस तरह से डिलीट हो जाएंगे। चलिए पहले मैं इसे फ्रीज कर लेता हूँ। तो इसका था वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, दोबारा मुझे इसे लिखने पड़ेंगे। वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, तो यह आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप यहाँ इन्हें लिखेंगे वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला दिया है वाई आर ही नॉट ईटिंग, वाई आर ही नॉट ईटिंग। तो देखिए, ही के साथ आर नहीं, ही के साथ इज लगता है, तो हमें यहाँ पे करने हैं इज। तो इसका क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे वाई
इज ही नॉट ईटिंग, वाई इज ही नॉट ईटिंग। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से इन्हें लिखने हैं कि वाई इज ही नॉट ईटिंग, तो आपको लिखने हैं वाई इज ही नॉट ईटिंग। यहाँ पे ये बड़ा नहीं हो रहा है, इसे में बड़ा करना है। हाँ तो चलिए बड़ा हो गया, वाई इज ही नॉट ईटिंग। तो चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया था, दीक्षा इज या प्ले क्रिकेट, सॉरी क्या हुआ, दीक्षा इज प्ले क्रिकेट, नहीं दीक्षा इज प्लेइंग क्रिकेट, दीक्षा क्रिकेट खेल रही है या दीक्षा प्लेज क्रिकेट। तो क्या हो जाएंगे, दीक्षा प्लेज क्रिकेट, दीक्षा क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं दीक्षा प्लेज क्रिकेट, तो ये हमारा हो जाएगा दीक्षा प्लेज क्रिकेट। चलिए इसे कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो ये आपका हो गया दीक्षा प्लेज क्रिकेट, ये आपका होगा इसका सही आंसर। आपको इसी तरह से लिखने हैं अच्छे हैंडराइटिंग के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे। अगला दिया गया है जो सवाल है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज फॉर द टाइप गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो देखिए ब्रैकेट आपको जो टाइप दिए गए हैं उस टाइप के अनुसार आपको इस सेंटेंस को बदलने हैं। तो चलिए इसके एक एक करके हमें बदलेंगे। तो हमारा जो पहला दिया गया हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ बैंड अपॉन द यूज ऑफ प्लास्टिक से नेगेटिव बनाने, तो क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट हैज़ नॉट बैंड अपॉन द यूज ऑफ प्लास्टिक, तो लिखेंगे मेंट हैज नॉट बैंड अपॉन द यूज ऑफ प्लास्टिक, गवर्नमेंट हैज नॉट बैंड अपॉन द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। चलिए इसे कर लेते हैं थोड़ा सा जूम ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। तो देखिए चूंकि मेरे पास दो लाइन, एक ही लाइन में इतना लंबा लिखने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे दो लाइन करने पड़े। आप इन्हें एक ही लाइन में लिखिएगा कि गवर्नमेंट हैज़ नॉट बैंड अपॉन द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पूछ दिया गया है, वाई डिड नॉट कम्प्लीट योर होमवर्क स्टडी, इसे पॉजिटिव बनाने हैं, इसका अर्थ है कि इसमें से हमें नॉट को हटाने हैं, इसका अर्थ है कि इससे हमें क्या करने पड़ेंगे, तो इसका अर्थ है कि इससे हमें नॉट को हटाने पड़ेंगे। चलिए मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ, अब ये यहाँ से डिलीट नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें नॉट को हटाने हैं, तो क्या इसका होगा जाएगा, तो वो यू कंप्लीटेड योर होमवर्क अस्टरडे, यू कंप्लीटेड योर होमवर्क अस्टरडे। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं यू यू कंप्लीटेड यू कंप्लीटेड योर होम वर्क अस्टरडे, तो यू कंप्लीटेड योर होमवर्क अस्टरडे, आपको इसी तरह से यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए मैं इसे लिख लिया और इसे थोड़ा सा जूम भी कर दिया, तो यू कंप्लीटेड योर होमवर्क अस्टरडे। तो चलिए अगला दिया है कि ये कारपेंटर मैक्स मॉडर्न फर्नीचर, कि ये कारपेंटर मॉडर्न फर्नीचर क्या करता है, बनाता है। तो चलिए इसे मैं नेगेटिव बनाने क्या लिखेंगे, ये कारपेंटर डज नॉट मेक मॉडर्न फर्नीचर। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं कारपेंटर डज नॉट मेक मॉडर्न फर्नीचर,
डज नॉट मेक मॉडर्न फर्नीचर। तो अ कारपेंटर डज नॉट मेक मॉडर्न फर्नीचर, और इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें और अच्छे से लिख सकें। तो इसी तरह से बनाने हैं या कारपेंटर डज नॉट मेक मॉडर्न फर्नीचर। तो चलिए इसके अगले सवाल को पढ़ते हैं अब जल्दी से। सवाल है, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट यू डू इन योर मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल एवरी डे, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बोला गया है, क्या तुम सुबह में जो प्रार्थना होता है उनके बारे में उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो? यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं इनके सब से तुम मदद ले सकते हो। तो ये मैं आप सभी को होमवर्क देता हूँ, इन्हें आपको कल लिख के लाना है और या फिर कमेंट बॉक्स में इन्हें कमेंट करना है। यदि आप इन्हें नहीं लिख पाते हैं फिर अगले वीडियो में इन्हें अभी यानी कि कल मैं इन्हें आपको दोबारा से बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे के वीडियो को देखते हैं। तो आगे का हमारा जो पेज नंबर है वो आप देख सकते हैं, पेज नंबर 2 है, वो यूनिट 2 है आपका, और आपका पेज नंबर है आपका 16। तो यूनिट 2 पेज नंबर 16 आपको दी गई है। यहाँ पे एक पोएम कविता दिया गया है, ये आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम वाले दिया गया। रीड एंड एंजॉय द पोएम, की पोएम को पढ़िए उसे एंजॉय कीजिए। बोला गया, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रेक्स या ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। आपको इस तरह से आपकी जो कविता दिए गए हैं आपको इन्हें पढ़ने हैं, और अगले पेजेज में आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे कि अगर पहले सवाल की बात करें तो फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो आपको ब्लेज के, माउंट के, कार्ट के, क्लस्टर के, ट्रिंग के आपको मीनिंग खोज के यहाँ पे लिखने हैं। अगला दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे कि द पोएम इज अबाउट एन आइसक्रीम क्रीम मैन, या पेंटर, या कुक, या गार्डनर। द पोएम इज टॉकिंग अबाउट विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम, वनीला, चॉकलेट, बीटर एंड मैंगो। अगले हैं, द आइसक्रीम मैन सेल्स द आइसक्रीम इन योर शॉप, हाउस, कार्ट, बॉक्स। और आपको इसी तरह से और हैं जिसके फाइंड आवर फोर एडजेक्टिव राइट अपोजिट्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। चलिए मैं इनमें से आपको केवल आज एक ही पार्ट बताऊंगा आपको, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद से करके आने, क्योंकि आपको बोला गया कि आपको इन्हें डिक्शनरी से खोजने हैं। यदि आप इन्हें डिक्शनरी से खोज के नहीं करना पाते तो फिर कल मैं आपको उन सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। तो चलिए हम आज अपना पढ़ेंगे जो प्रश्न होगा वो बी नंबर प्रश्न आज पढ़ेंगे। यदि आप नहीं पाते तो कल मैं आपको ये नंबर सवाल भी बताऊंगा। तो पहला दिया गया है, द पोएम इज अबाउट, जो पोएम वो किसके बारे में। तो पता है कि पोएम किसके बारे में, एक आइसक्रीम विक्रेता के बारे में, आइसक्रीम वाले आदमी के बारे में। दूसरा दिया है, द पोएम इज टॉकिंग अबाउट, पोएम किसके बारे में बात करता है, गर्मी वाले दिनों के बारे में, क्योंकि आइसक्रीम हम लोग कब खाते हैं, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी, समर सीजन। तीसरा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम। देखिए, वनीला भी आपका आइसक्रीम का फ्लेवर है, चॉकलेट भी आइसक्रीम का फ्लेवर है, मैंगो भी आपका आइसक्रीम का फ्लेवर, लेकिन आइसक्रीम का फ्लेवर कभी तीखा नहीं होता है। अगला दिया गया, द आइसक्रीम मैन सेल्स द आइसक्रीम इन ये, आइसक्रीम मैन आइसक्रीम किसमें बेचता था, एक बक्से में, एक घर में, एक शॉप में, एक कार्ट में। तो एक कार्ट में। तो इस तरह से मैंने आज आपको इतने सवाल बताए, इसमें जो सवाल बचे रह गए उन्हें आपको कल बना के आने हैं। तो इस तरह से आज हम पेज नंबर 17 तक इतने ही सवाल को रखते हैं, अगले वीडियो में पेज नंबर 17 की और दूसरे सवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक घंटी दिखेगी, उस घंटी को दबाएँ और उसके बाद ऑल पे क्लिक करें। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ मदद की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।